नमस्कार दोस्तों, मैं इंग्लिश यादव आज एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एजुकेशन विथ केके पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि जो भी वायुमंडल में घटनाएं होती हैं उससे संबंधित, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस। कौन सी? नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल का अस्थाई तत्व क्या है। जो वायुमंडल है उसका अस्थाई तत्व क्या है, तो जलवाष्प है। वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है, जलवाष्प है। क्वेश्चन अगला, पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है। पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो किसके द्वारा गर्म होता है, विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है। जो वायुमंडल हमारा है उस वायुमंडल में सबसे अक्रिय गैस कौन सी अधिक है, तो आर्गन है। कौन सी गैस है? आर्गन गैस है। क्वेश्चन अगला है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने से में कौन से गैस हमारी रक्षा करती है। जो सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने से उसमें से कौन सी गैस है जो हमारी रक्षा करती है, तो कौन है? ओजोन है। कौन है? ओजोन। अगला क्वेश्चन हमारा है, भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल में तापमान व वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो भी भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उत्तर हमारा जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की 21%, अन्य गैस कितना है? 1% पाई जाती है, ऑक्सीजन की 21। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की धरातल में औसत ऊंचाई कितनी होती है। क्षोभ मंडल की धरातल में औसत ऊंचाई कितनी है? 14 किलोमीटर। कितनी है? 14 किलोमीटर, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं सारी होती हैं क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। कौन सा ऐसा मंडल जिसको संवहन मंडल कहा जाता है? क्षोभ मंडल को। क्वेश्चन अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है, तो उत्तर हमारा जाएगा क्षोभ मंडल में। कहाँ पे? क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन अगला है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है, तो क्षोभ मंडल के कारण। किसके कारण? क्षोभ मंडल के कारण। मैं बताया हूँ इसके पहले कि क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी सारी घटनाएँ होती हैं। क्वेश्चन अगला है, ओजोन परत कहाँ स्थित है। जो ओजोन परत है वो कहाँ पर स्थित है, तो ओजोन परत हमारा समताप मंडल में स्थित है। कहाँ पे है? समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है। जो समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है उसका कार्य क्या है, तो उसका कार्य है भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना। भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परिवर्तित होती है। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परिवर्तित होती है, उत्तर जाएगा आयनमंडल से। किससे? आयनमंडल से। क्वेश्चन अगला है, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है। वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है, तो कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है,
वायुमंडल में किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। वायुमंडल का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें जलवाष्प का कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है, तो कौन सा ऐसा भाग है, वो है क्षोभ मंडल है। कौन है? क्षोभ मंडल। क्वेश्चन अगला है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। वायुमंडल का कौन सा ऐसा भाग है जो रसायन मंडल का एक भाग है, तो उत्तर जाएगा ओजोन मंडल। कौन सा? ओजोन मंडल। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है, यानी जो हवाई जहाज उड़ती है वो किस मंडल में उड़ती है, समताप मंडल में। क्वेश्चन अगला है, वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है, क्षोभ मंडल, जिसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।